गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 8 अगस्त 2020 और आज हम लोग 8 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करेंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? When is National Handloom Day celebrated? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 7 अगस्त को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है यानी नेशनल हैंडलूम डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था और अभी इन्हें भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है राजीव महर्षि का। किनका? राजीव महर्षि का। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कैग के बारे में। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1858 में। कैग का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय द स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स? तो ये है हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ। फ्रेंड्स, अभी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने दो क्रिकेटर को यानी हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली समीर शर्मा हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक अभिनेता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और जब हम लोग बात करते हैं इनके कैरियर की, इन्होंने कुछ फेमस टीवी सीरियल्स में काम किया था और इनमें से शामिल हैं गीत हुई सबसे पराई, लेफ्ट राइट लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को कहां से शुरू किया गया है? रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट फार्मर स्पेशल पार्सल ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? तो यह है महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी देश के पहले किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन करेगी। अब ये जो किसान रेल है, ये वर्क कैसे करेगा? ये किसान रेल है जो फलों और सब्जियों को ले जाएगा और कई स्टेशनों पे स्टॉपेज बनाएगा और उन्हें वहाँ वितरित करेगा। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि कम समय में सब्जियों फलों जैसे कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में हेल्प मिलेगा और किसान है जो आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अभी
अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 288। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 78। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट कितना है? 48। महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट कितना है? 19। महाराष्ट्र का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादरा और नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज बैन चाइनाज ऐप रिसेंटली? तो यह है अमेरिका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट पे अमेरिका में प्रतिबंध लगाने पे हस्ताक्षर किया है और इस बैन को लगाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था और भारत ने चीन की 106 ऐप पे प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 को कम करने में सहायक 8 नए उत्पाद को जारी किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट 8 न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन रिलीज्ड विच हेल्प इन रिड्यूसिंग कोविड-19? तो यह है कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा कर्नाटक राज्य में 8 नए उत्पाद को जारी किया गया है और ये सारे उत्पाद कोविड-19 महामारी को कम करने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, इन जारी किए गए नए उत्पादों में निगरानी प्रणाली के लिए ECG, श्वसन, शरीर का तापमान लेने वाले और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को जारी किया गया है कर्नाटक राज्य में, तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के CM कौन है? BS येदुरप्पा। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बजू भाई वाला। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 224। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75। कर्नाटक में लोकसभा का सीट कितना है? 28। और कर्नाटक में राज्यसभा का सीट कितना है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कौन करेंगे? हु विल इनॉग्रेट द नेशनल सैनिटेशन सेंटर रिसेंटली? तो यह है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। ये जो केंद्र है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, ये स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिसिन वैन को शुरू किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मेडिसिन वैन फॉर फ्लड विक्टिम्स इन बिहार? तो यह है अर्जुन मुंडा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिसिन वैन को स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इस वैन के लिए दिल्ली के जोरबाग स्थित ठाकुर द्वारा ट्रस्ट ने 15 लाख रुपए की दवाएं मुहैया कराई है, जिससे कि बाढ़ पीड़ितों की रिकवरी काफी तेजी से हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यह है प्रदीप कुमार जोशी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी प्रदीप कुमार जोशी जी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने स्थान लिया है अरविंद सक्सेना का। किनका? अरविंद सक्सेना का। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। UPSC का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 में। UPSC का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई अंडमान सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? हु विल इनॉग्रेट द चेन्नई अंडमान सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल रिसेंटली? तो यह है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार,
लॉन्ग आइलैंड और रंगत को जोड़ेगा। फ्रेंड, जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दूर संचार प्रणाली काफी कमजोर है, जिससे कि यहाँ के लोगों को दूर संचार संपर्क में रुकावट का सामना करना पड़ता है। अब इस केबल के माध्यम से मोबाइल और लैंडलाइन दूर संचार सेवाएं अवेलेबल हो सकेंगी। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, यहाँ का जो पर्यटन और रोजगार है उसको बढ़ावा मिलेगा, और इसके साथ ही साथ टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई प्रशासन सेवाएं भी इजीली वे में अवेलेबल हो सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 23 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? इन विच यूनियन टेरिटरी विल 23 न्यू केंद्रीय विद्यालय बी सेट अप रिसेंटली? तो यह है जम्मू कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी जम्मू कश्मीर में 23 नए केंद्रीय विद्यालय को स्थापित किया जाएगा, इससे स्कूली शिक्षा का डेवलपमेंट काफी तेजी से हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरली एन ग्रो का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली सरली एन ग्रो हैज पास्ड अवे, सी वाज रिलेटेड टू? तो ये एक उपन्यासकार थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी प्रसिद्ध उपन्यासकार और कथा लेखक सरली एन ग्रो का निधन हो गया है, और जब हम बात करते हैं इनके कैरियर की, तो इन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। फ्रेंड्स, इनका पहला पुस्तक 1954 में प्रकाशित हुआ था, और उस पुस्तक का नाम था द ब्लैक प्रिंस। इनका चौथा पुस्तक आया था 1965 में, और उस पुस्तक का नाम था द कीपर्स ऑफ द हाउस। क्या था? द कीपर्स ऑफ द हाउस। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। अब हम लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था, हाल ही में HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chief executive officer of HDFC bank recently? तो इसका ऑप्शन था संजीव रंजन, शशिधर जगदीशन, आदित्य पुरी और राजेश सिंगल। तो ये है शशिधर जगदीशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी शशिधर जगदीशन जी को HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने स्थान लिया है आदित्य पुरी का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? Who has recently written a book titled रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस? तो इसका ऑप्शन है सतीश पाटिल, यतीश यादव, राहुल वर्मा और हरिकृष्ण त्रिवेदी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।